गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट चैप्टर नंबर सिक्स टिश्यू को हम पढ़ रहे हैं और इसके अंदर हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी मैरस्मेटिक टिश्यू के बारे में तो मैरस्मेटिक टिश्यू के जो रीजन्स हैं एपिकल मैरिस्टम इंटर कैलरी और लेटरल मैरिस्टम आज हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में प्लांट में सेकेंड काइंड ऑफ टिश्यू जो पाई जाती है वो परमानेंट टिश्यू है वट हैपन टू द सेल फॉर्म्ड बाय द मैरस्मेटिक टिश्यू जो टिश्यूज मैरेस्मेटिक सेल के डिवीजन से बनती हैं उनका क्या होता है दे टेक अप स्पेसिफिक रोल एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड सबसे पहले इन सेल में कौन सी सेल में जो मैरेस्मेटिक टिश्यू के डिवीजन से बनती हैं वो एक स्पेसिफिक रोल को परफॉर्म करती हैं और सबसे पहले वो अपनी एबिलिटी है जो डिवाइड होने की उसको उसका लॉस करती हैं यानी कि उनमें डिवीजन होने की जो प्रॉपर्टी है डिवाइड होने की जो प्रॉपर्टी है वो ख़त्म हो जाती है एज अ रिजल्ट दे फॉर्म अ परमानेंट इशू इस कारण से वो क्या बनाती हैं परमानेंट टिश्यू बनाती हैं दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ परमानेंट सेप साइज एंड अ फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंटिएशन और इस प्रोसेस को ही डिफरेंटिएशन बोला जाता है जिसके अंदर क्या होता है परमानेंट uh, इशू का फॉर्मेशन होता है परमानेंट सेप उनका परमानेंट साइज और परमानेंट उनका फंक्शन हो जाता है डिफरेंटिएशन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू और ये जहाँ पर जो डिफरेंटिएसन होता है इसकी वजह से अलग अलग टाइप के परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन होता है टेक अ प्लांट स्टेम एंड विद द हेल्प ऑफ योर टीचर कट इन टू वेरी थिन स्लाइज ऑफ सेक्सन नाव स्टेन द स्लाइज विथ सेनिंग प्लेस वन neatly cut section on a slide and put drop of glycerin cover with a cover slip and observe under a microscope ek stem ko lena hai uske thin ts ko sections ko humne cut karna hai saprin in se hame use stain karna hai dye karna hai aur usko cover slip rakhna hai slide uh, के ऊपर और उसमें ग्लिसरीन भी हमने डालना है क्या होता है ऑब्जर्व द वेरियस पार्ट ऑफ सेल

कैन यू थिंक ऑफ रीजन वाई देयर सुड देयर वुड बी सो मैनी टाइप्स ऑफ सेल क्या आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग टाइप की सेल्स क्यों हैं वी कैन नाउ ट्राई टू कट सेक्शन ऑफ अ प्लाट रूट वी कैन इवन ट्राई कटिंग सेक्शन ऑफ रूट एंड अ स्टेम ऑफ डिफरेंट प्लांट तो अगर हम अलग अलग प्लांट की रूट और स्टेम के सेक्शन काटते हैं तो हमें लगभग -लग सेम टाइप की सेल्स वहाँ पर देखने को मिलती हैं तो सबसे पहले टाइप होता है आपका परमानेंट टिश्यू का सिंपल परमानेंट टिश्यू अ फ्यू लेयर ऑफ सेल बिनी द एपिडर्मिस आर जनरली सिंपल परमानेंट टिश्यू सबसे एक्सटर्नल जो लेयर होती है उसको बोला जाता है एपिडर्मिस या फिर क्यूटिकल लेयर यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में इस डायग्राम में दो डायग्राम दिए हैं और दोनों में सबसे एक्सटर्नल जो लेयर है वो एपिडर्मिस लेयर है तो एपिडर्मिस लेयर से कुछ लेयर्स नीचे तक की सेल्स कौन सी सेल होती है सिंपल परमानेंट टिश्यू की सेल होती है पेरन कायमा इज़ द मोस्ट काम मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू सबसे जो कॉमन परमानेंट टिश्यू है सिंपल परमानेंट टिश्यू वो है पेरन कायमा इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल विथ थिन सेल वॉल तो इनमें काफ़ी थिन सेल वॉल पतली सी थिन थिंस सेलबॉल इनमें पाई जाती है और ये स्पेशलाइज्ड नहीं होती हैं दे आर लिविंग सेल ये सारी लिविंग सेल होती हैं दे आर यूजली लूजन अरेन्ज्ड थर्स लार्ज स्पेस बिटवीन सेल इंटरसेलर स्पेस आर फाउंड इन दिस दिस टिश्यू तो ऐसे टिश्यूज़ के बीच में क्योंकि ये इनका जो अरेजमेंट होता है वो लूजली अरेन्जमेंट होता है एक दूसरे से टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं लूजली पैक्ड होते हैं इस वजह से सेल्स जो होती हैं उनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है और उस स्पेस को ही इंटर सेलर स्पेस बोला जाता है दिस टिश्यू जनरली स्टोर फूड इसका जो मेन काम होता है काइमा सेल का वो क्या होता है फूड को स्टोर करना इन सिचुएशन इट कंटेन्स क्लोरोफिल एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस कुछ कुछ केसेस में जो पैरन कायमा है वो क्लोरोफिल भी कंटेन करती है यानी कि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और जहाँ पर क्लोरोफिल की प्रेजेंस होती है वहाँ पर हमेशा पोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चलती है देन इट इज़ कॉल्ड ए कॉलनकाया तब इस टिश्यू को पैरनकायमा को जब इसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट हो और वो फोटो प्रोसेस को परफॉर्म कर दिए तो उसे क्लोरनकाया के नाम से जाना जाता है इन एक्वेटिक प्लांट लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट इन पेरन कायमा टू हेल्प दैम फ्लोट अगर हम एक्वटिक प्लांट्स की बात करें ऐसे प्लांट जो वाटर में सर्वाइव करते हैं उनमें क्या होता है बहुत सारे लार्ज एयर कैविटीज़ प्रेजेंट रहती हैं पेरनकाइमा लेयर में और ये उन्हें हेल्प करती हैं फ्लोट करने में सच है पेरन कायमा टाइप इज कॉल्ड एरनकाइमा तो आपने थ्री टाइप के पेरन कायमा देख लिए एक नॉर्मल पैरन कायमा जिसका काम होता है फूड को स्टोर करना दूसरा पैरनकाइमा जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और ये फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है इसे क्लोरनकाइमा के नाम से जानते हैं तीसरा एक्वेटिक प्लांट के अंदर एयर कैविटी के रूप में जो पैरनकाइमा प्रजेंट रहती है उसको एरन कैमा नाम से जाना जाता है इसके बाद नेक्स्ट द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लांट इज़ ड्यू टू अनदर परमानेंट इश्यू कॉल कैमा दूसरी जो यहाँ पर सिंपल परमानेंट इशू है वो है आपकी कॉलन कायमा इट अलाउ बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट लाइक टेंड्रिल्स एंड स्टेम स्टेम टू क्लाइंबर विदाउट ब्रेकिंग तो ये फ्लैक्सीबिलिटी प्रोवाइड करने वाली सेल होती है या टिश्यू होती है कॉलन कायमा की जो प्लांट के वेरियस पार्ट को बैंड करने में बैंडिंग में क्या करती है हेल्प करती है जैसे टेंड्रिल हो गए और क्लाइंबर्स की जो स्टेम हैं वो बिना टूटे हुए इधर उधर मुड़ जाती है इट आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट इसके अलावा ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है प्लांट को वी कैन फाइंड दिस टिश्यू इन लीफ स्टॉक ब्लू द एपिडर्मिस। लीफ का जो स्टॉक जो पार्ट स्टेम से जुड़ा रहता है वहाँ पर भी एपिडर्मिस के नीचे आपकी कॉल एंड कैमा प्रेजेंट रहती है द सेल ऑफ़ दिस टिश्यू आर लिविंग इस टिश्यू की जितनी भी सेल्स होती हैं वो लिविंग होती हैं इलोंगेटेड एंड ट्राइंगरी थिक एंड एट द कॉर्नर और इलोंगेटेड उनका सही होता है और इनके कॉर्नर्स में काफ़ी ज़्यादा थिकनेस देखने को मिलती है देर वॉर देयर इज़ वेरी लिटिल इंटर सेलर स्पेस और इन सेल के बीच में जो स्पेस है वो बहुत कम होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरियस टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट इश्यू ए वाला जो डायग्राम है वो पैरन कायमा का है और यहाँ पर इंटर सेलर स्पेस इन सेल के बीच में देखने को मिलता है क्योंकि ये लूजली अरेज्ड रहती है तो यहाँ पर बहुत सारा गैप इनके बीच में प्रजेंट रहता है दूसरी हमने कॉलन कायमा पढ़ी कॉलन कायमा के अंदर हमने देखा कि इसकी जो आ, साइड से होती है वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा थीक होती है और इस वजह से यहाँ पर इंटर स्पेस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं येट अनदर टाइप ऑफ फेरन कायमा परमानेंट टिश्यू इज़ स्केलेरियन कायमा इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो है इसकेलेरियन कायमा इट इज़ द टिश्यू विच मेक्स प्लांट हार्ड एंड स्टिप तो प्लांट को हार्ड और इस्टिप बनाने में स्केलेरन कायमा हेल्प करती है वी हैव सीन द हस्क ऑफ़ द कोकोनट कोकोनट का हस्क हमने देखा है इट इज़ मेड ऑफ़ स्केलेल काइमेट टिश्यू द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर डेड जो इस टिश्यू की सेल्स होती वो जनरली डेड होती हैं दे आर लॉन्ग काफ़ी लंबी होती हैं नैरो नैरोज वेल्स आर थिक एंड ड्यू टू लिगनिन लेकिन जो इनकी वॉल्स uh, होती हैं इन सेल की वो काफ़ी मोटी होती हैं लेकिन इनके डिपोजिशन की वजह से ऑप्टेन दिस बॉल आर सो थिक दैट देयर इज नो इंटर सेलर स्पेस टू सेल और यहाँ पर सेल्स के बीच में इंटर सेलर स्पेस भी नहीं होता है दिस टिश्यू इज प्रजेंट इन स्टेम अराउंड वेस्कुलर बंडल इन द वेन्स ऑफ लीव एंड इन हार्ड कवरिंग ऑफ सीड एंड नट्स तो इसकी जो पोजिशन होती कहा कहा है कहाँ कहाँ देखने को मिलती है स्टेम में वेस्कुलर बंडल के चारों और वेंस में लीव की जो वेंस होती हैं और साथ ही साथ ये सीड्स और नट जो होते हैं उनके कवरिंग को भी बनाने का काम करती है इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट इसका मेन जो फंक्शन है वो क्या है अब प्लांट को प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना यहाँ पर आपको सी में सी जो डायग्राम दिखाई दे रहा है वो भी एक डायग्राम है किसका इसके ले कायम मका यहाँ पर जो सेल्स के बीच में इंट्रा सेलर स्पेस है वो कम है ना के बराबर है क्योंकि यहाँ पर लिग्निन जो केमिकल है वो डिपॉजिट होता है सेल के कॉर्नर्स में तो ये आप, आप आज का लेक्चर है इसे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे थैंक यू